तो मेरा पक्का हो जाता है हरे मैं। हंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग थे वही जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन थे काज सब राज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। वितराग विज्ञान पाठमाला भाग तीन के आधार से निश्चय नय और व्यवहार नय की अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। निश्चय नय किसे कहते हैं और व्यवहार नय किसे कहते हैं, इसकी बहुत सुंदर परिभाषात्मक चर्चा अपनी यहाँ हुई है। यथार्थ वो निश्चय है, उपचरित वो व्यवहार है। निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों ही देखने के दृष्टिकोण हैं। वस्तु एक, देखने के दृष्टिकोण दो। एक वस्तु को देखने के दो नज़रिए। एक अपेक्षा से जब उसे यथार्थ रूप देखा गया तो हमने कहा निश्चय नय, और जब दूसरी अपेक्षा से हमने उसे किसी संयोग के आधार पर देखा, संयोग वो व्यवहार नय नहीं, संयोग से देखना वो व्यवहार नय है। जैसे घड़ा और घी, घड़े का संयोग घी में है तो ये नय नहीं, लेकिन घड़े को घी का संयोग होने पर घी का घड़ा ऐसा देखना ये व्यवहार नय है। निश्चय नय जो वस्तु जैसी होती है उसे वैसा कहता है। व्यवहार नय उस वस्तु को किसी दूसरे की अपेक्षा से, लगावट से, मिलावट से, संयोगों की अपेक्षा से उपचरित कथन करके लोक व्यवहार के लिए, काम चलाने के लिए शिष्टाचार वश जो भी कथन कर देता है वो सब व्यवहार नय है। व्यवहार नय का क्षेत्र बहुत बड़ा है, व्यवहार नय का दायरा बहुत बड़ा है। माने हम जितने संबंधों की चर्चा करते हैं पर के साथ में, वे सारे संबंध व्यवहार नय से ही हैं। निश्चय से तो अमृत चंद्राचार्य कहते हैं नास्ति सर्वोपि संबंध, किसी का किसी के साथ में कोई संबंध नहीं है। निश्चय से हमारा आपका क्या संबंध है? निश्चय से, अरे आपके संबंध की बात करते हैं, शरीर से कोई संबंध नहीं है निश्चय से, तो ये भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। तो निश्चय से कोई संबंध नहीं है, लेकिन व्यवहार नय से सभी संबंध कहे जाते हैं। माने संबंधों की चर्चा ये व्यवहार नय है। ये शरीर मेरा है, ये घड़ी मेरी है, ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये बिजनेस मेरा है, सब व्यवहार के कथन है कहे जाएंगे। भली व्यवहार नय मोक्ष मार्ग में उपयोगी ना हो, तथापि संसार में क्षणमस्त दशा में जब तक निर्वाण की प्राप्ति न हो तब तक अज्ञानी अवस्था में, अल्पज्ञ अवस्था में ये व्यवहार नय काम चलाने के लिए प्रयोजनवान कहा गया है। या ऐसा भी कह सकते हैं निश्चय तक पहुंचाने के लिए भी व्यवहार की उपयोगिता है। व्यवहार की उपयोगिता व्यवहार के लिए नहीं, निश्चय के लिए पहुंचना तो वहां तक है। तो इन सब निश्चय और व्यवहार नयों में भेद प्रभेद भी बहुत हो सकते हैं। इनकी कुछ परिभाषा यहाँ कही गई थी, एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार पर कही। उस परिभाषा में तीन महत्वपूर्ण बिंदु बतलाए गए, व्यवहार नय क्या करता है, दूसरी बात कही निश्चय नय क्या करता है। तो व्यवहार नय क्या करता है उसके तीन बिंदु। व्यवहार नय स्वद्रव्य को, परद्रव्य को,
व्यवहार नहीं क्या करता है, स्वद्रव्य को परद्रव्य को। दूसरा पॉइंट, उनके भावों को, स्वद्रव्य और परद्रव्य के भावों को, भाव मतलब होता है गुण। तीसरा, व्यवहार ने स्वद्रव्य और परद्रव्य में कारण कार्याधिक को, स्वद्रव्य को परद्रव्य को मिलाकर कथन करता है, उनके भावों को मिलाकर कथन करता है, उनके कारण कार्याधिक का एक दूसरे रूप से कथन करता है, वो व्यवहार नए है। सीधा सा द्रव्य गुण पर्याय की बात करो, द्रव्य गुण पर्याय तो सर्वत्र है, यहाँ तो दो अलग अलग द्रव्यों की बात है। दो द्रव्यों में, दो द्रव्यों को अलग अलग किया, दो द्रव्यों को अलग अलग नहीं जाना, उनको मिला के देखा। जैसे मैं कौन हूँ, बोले ये दिख तो रहा हूँ मैं जो दिख रहा हूँ यही तो मैं हूँ। बोले ये जो मैं दिख रहा हूँ ये स्वद्रव्य और परद्रव्य को मिला के किया गया कथन है। स्वद्रव्य तो आत्मा और परद्रव्य शरीर, तो स्वद्रव्य आत्मा और परद्रव्य शरीर और इन दोनों को मिला करके मैंने एक यूनिट माना कि ये मैं हूँ। ये व्यवहार, व्यवहार से यही कहेंगे मेरा नाम संजीव गोदय, व्यवहार से यही कहेंगे। स्वद्रव्य परद्रव्य को मिला के कथन करना, दो द्रव्यों को मिला करके कथन करना। असमान जातीय द्रव्य पर्याय कहते हैं, ऐसे शब्द सुना है आप लोगों ने पहले, मैंने बतलाया था जब द्रव्य समझाए थे तब मैंने चर्चा की थी। द्रव्य छह प्रकार के, छह जाति के, द्रव्य छह नहीं है, द्रव्य तो अनंत है लेकिन उन अनंत द्रव्यों की जाति छह है, ठीक है। जैसे जीव, जीव एक द्रव्य नहीं, जीव द्रव्यों की या एक समान द्रव्यों की एक जाति है जिनमें जीवन है, वो सब जीव द्रव्य, अनंत है जीव। तो द्रव्य कितने हैं, तो अनंत, लेकिन उन अनंत द्रव्यों को जाति अपेक्षा से कितना कहा जाता है, छह। सब द्रव्य अपना अपना काम करते हैं लेकिन कभी कभी दो द्रव्यों की मिली हुई भी चर्चा की जाती है, मिला के भी बात की जाती है। जैसे शरीर और आत्मा ये दो द्रव्य हैं, समान जाति के हैं या असमान, असमान है क्योंकि एक जीव जाति है, शरीर की पुद्गल जाति है, उसके गुण अलग, इसके गुण अलग, दोनों के गुण अलग अलग हैं। तो असमान जाति के द्रव्य, असमान जाति के द्रव्य और उनकी ये अवस्था, तो इस मनुष्य पर्याय को क्या कहते हैं, असमान जाति द्रव्य पर्याय। मनुष्य पर्याय असमान जाति द्रव्य पर्याय है। त्रियंच पर्याय असमान जाति द्रव्य पर्याय, कुत्ता बिल्ली है, कबूतर है, चिड़िया है, ये सब क्या है, असमान जाति द्रव्य पर्याय। और देखो असमान जाति द्रव्य पर्याय में क्या किया, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिला के कथन किया, दो मान करके कथन नहीं किया। हमने कहा देखते चलना चींटी मर जाएगी, तो चींटी मर जाएगी ये जो कथन किया है, ये मिला के कथन किया है शरीर आत्मा को, व्यवहार न है, झूठ भी नहीं, ठीक है। तो स्वद्रव्य परद्रव्य को मिला के कथन करता है, उनके भावों को मिला करके कथन करे तो, उनके भाव मतलब क्या है, गुण। तो जीव के गुण क्या क्या है, जानना, देखना, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि, ये जीव के गुण है। पुद्गल के गुण कौन कौन से, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये जिनमें पाए जाएं वो पुद्गल है। पुद्गल द्रव्य में जिसको छू रहे हैं, जो छूने में आ रहा है वो पुद्गल है। जो आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब कौन सा द्रव्य है, वो पुद्गल द्रव्य है, ठीक है। जिसकी सुगंध या दुर्गंध आ रही है वो सब पुद्गल द्रव्य है। तो पुद्गल द्रव्य के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण गुण है, जीव के ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि गुण है। व्यवहार में क्या काम करता है, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिलाता है, एक द्रव्य के भावों को दूसरे द्रव्य में मिला के खत्म करता है। तो कैसे मिलाएंगे, भावों को किस तरह से मिलाया, अरे इस शास्त्र में तो बहुत ज्ञान भरा है, इस शास्त्र में बहुत ज्ञान भरा है। क्या, अच्छा ज्ञान शास्त्र में होता है कि ज्ञान आत्मा में होता है, ज्ञान तो आत्मा का गुण है ना,
शास्त्र कौन सा द्रव्य है ये बताओ, शास्त्र छह द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य है? शास्त्र छह द्रव्यों में से पुद्गल द्रव्य है, और पुद्गल द्रव्य के गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण, वो उस पुद्गल के है ना, और जीव का गुण है जानना देखना ज्ञान दर्शन आदि। अब हमने कहा इस पुद्गल में बहुत ज्ञान है, इंटरनेट पर ज्ञान ही ज्ञान भरा है, गूगल तो ज्ञान का भंडार है, तो ये कथन क्या, ये व्यवहार नहीं के कथन समझना। क्यों? क्योंकि दो द्रव्यों के भावों को एक दूसरे में मिला दिया, ये व्यवहार नहीं के कथन। समझ में आ रही है बात? कठिन तो नहीं है। स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, और कारण कार्य आदि के तो अनगिनती कथन होते हैं एक दूसरे में मिला करके कहना। मैं बिजनेस चलाता हूं तो बिजनेस परद्रव्य है, और मैं एक अलग द्रव्य हूं, और मैं बिजनेस की क्रिया का करता हूं, मेरे कारण से वो दौड़ रहा है बिजनेस, ये कारण कार्य को मिलाकर के कथन किया, ये व्यवहार न्याय का कथन है। हमें कोई झगड़ा नहीं करना है किसी से, कोई विवाद नहीं है, हम मानते हैं व्यवहार न्याय को, लेकिन व्यवहार को व्यवहार जितना ही मानना। ये साहब आप व्यवहार नहीं तो मानते ही नहीं हो। क्यों नहीं मानते हैं भैया, व्यवहार नहीं कैसे नहीं मानेंगे, सारा जिनागम व्यवहार नहीं की भाषा में भरा पड़ा है। ऋषभ देव स्वामी कहां से मोक्ष गए? बोले कैलाश पर्वत से। अब कैलाश पर्वत से जो संबंध बतलाया ऋषभ देव स्वामी का, ये व्यवहार नहीं का कथन है। क्षेत्र से संबंध बतला दिया हमने उनका, कल हमने कही थी उनकी दो शादियां हुई थी, उनके 101 पुत्र थे, अयोध्या के राजा थे, सब व्यवहार नहीं के कथन। व्यवहार ने पद्रव्य के साथ में संबंध बतलाएगा। ऋषभ देव का उपदेश हुआ इतने लंबे समय तक, 1 लाख पूर्व में 1000 वर्ष माइनस करो, इतने लंबे काल तक ऋषभ देव स्वामी का उपदेश होता रहा। दिव्य ध्वनि, कहाँ बैठते हैं तीर्थंकर परमात्मा? समाव शरण में बैठते हैं। सब व्यवहार है, सारे कथन व्यवहार के होंगे। हमें ये करना चाहिए, माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, गुरुओं के निर्देशन में चलना चाहिए, सब व्यवहार नहीं के कथन है। गुरु से ज्ञान होता है, कारण कार्य संबंध, उनके कारण ज्ञान हुआ, सब आपने पढ़ाया इसलिए हमें ज्ञान हुआ, व्यवहार नहीं की भाषा है। सच में गुरु से ज्ञान नहीं होता। हाँ, आटा पिस गया, ऐसी बात है। हाँ, पिसे हुए गेहूं को आटा कहते हैं, आप कहते हैं आटा पिस गया, या आटा पिस रहा है, कि आटा पिस वाला हो, आटा पिसाने जा रहा हूँ। ये सब उन वाक्यों की गहराई में जाएंगे हम तो हमें पता लगेगा इनमें सच्चाई कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है, कथन कुछ और किया जा रहा है। तो ऐसे जितने भी कथन होंगे ये सब व्यवहार नहीं के कथन है। गुरु से ज्ञान होता है, बोलो होता है कि नहीं? सच सच बतलाना, हमारे पढ़ाने से आप सीखते हो या नहीं? ये व्यवहार है, वास्तविकता अलग है। वास्तविकता ये है, किसी के सिखाने से कोई नहीं सीखता, अपने आप सीखता है, अपनी योग्यता से सीखता है। अरे गुरु के सिखाने से यदि सीखे तो जितना पढ़ाया गया है, जो पढ़ाया गया है, वो सामने बैठे हुए समस्त विद्यार्थियों को एक समान समझ में आना चाहिए। कक्षा में अध्यापक पढ़ाते हैं, कक्षा में 50 विद्यार्थी बैठे हैं, वो 50 के 50 विद्यार्थी अपनी अपनी योग्यता से अलग अलग समझते हैं, समझाने वाला क्या करे? समझाया तो एक जैसा ही था ना, लेकिन सबने अलग अलग क्यों समझ लिया? किसी ने कुछ समझ लिया, किसी ने कुछ समझ लिया, कि जैसी जिसकी योग्यता। तो वास्तविकता तो उसकी योग्यता है, असली बात तो उसकी योग्यता है। तो फिर गुरु के समझाने से ज्ञान हुआ ये कहना बोले व्यवहार है। स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके कारण कार्यादि को, और ऐसा हम निषेध थोड़ी ना कर रहे हैं। हम ये कहें समय सार ग्रंथ किसने लिखा? आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा। उसकी टीका किसने की? बोले अमृतचंद्राचार्य ने की है, जयसेनाचार्य ने की है, उनकी टीका है लिखी है, उनकी व्याख्याएं की है, तो की है कि नहीं उन्होंने? अरे चोड़रमल जी कहते हैं लिखना दिक वचना दिक क्रिया
वर्णाधिक अरु इंद्रिय हिया। कितने बातें हो गई, लिखना अधिक, ये मार्मिक बातें हैं भाई, ये मर्म की बातें हैं, ये समझे बिना भेद विज्ञान नहीं होगा, ये समझे बिना मोक्ष मार्ग में कदम नहीं होगा, ये बहुत सरल भी है लेकिन विचार चिंतन मंथन की अपेक्षा रखता है। वस्तु स्थिति, वस्तु स्वरूप विचार, जिसके लिए सुखी होने की बात कही है जुगल किशोर जी मुख्तार साहब ने, मेरी भावना की लास्ट लाइन, वस्तु स्वरूप विचार। ये क्या है वस्तु स्वरूप विचार, कि इसका कर्ता कौन है, ये किसका कार्य है, ये किसकी वजह से हो रहा है, इस कार्य के होने की असली वजह क्या है। भोजन करने से मोटा होता है कि नहीं, भोजन करने से वजन बढ़ता है कि नहीं, अभाव है दोनों में, वस्तु स्थिति कुछ और है। कभी कभी किसी के बारे में आपने ऐसा सुना होगा, लोग कहते हैं अरे कितना खाते हैं लेकिन इसके तो अंग ही नहीं करता। क्या क्या मतलब, मतलब इसका मतलब भोजन से शरीर बढ़ता हो ऐसा कहना व्यवहार है, वस्तु स्थिति कुछ और है। उस सच्चाई को पहचानना वो निश्चय है, और सच्चाई नहीं पहचानो और इस प्रकार के कथन करो तो ठीक है, दिक्कत नहीं है, करो कथन, होंगे, सारी जनवाणी भरी पड़ी है इस प्रकार के कथनों से, चरणानुयोग के कथन से, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाए, क्योंकि कथन है इस तरह के, कारण कार्य संबंधों की चर्चा होती है। पंडित जी साहब ने क्या कहा, लिखना, बारीकी से देखना, लिखना लेखन की क्रिया, बोलो मेरे लिखने से लिखा नहीं जाता ये सच्चाई है, लेकिन मैं लिखता हूं ये कहना ये व्यवहार है। दो द्रव्य हैं न्यारे न्यारे, मैं और ये पुद्गल, दो द्रव्यों का संबंध व्यवहार नय, दो द्रव्यों में जो परस्पर संबंध होता है वो व्यवहार नय से संबंध कहा जाता है, और निश्चय से नास्ति सर्वोपी संबंध है, निश्चय नय से किसी द्रव्य का किसी द्रव्य से कोई संबंध नहीं है। तो मैं लिखता हूं, वचन बोलता हूं, बोलो यदि इस क्रिया का वास्तविक कर्ता मैं हूं तो मैं जो लिखना चाहता हूं वो लिखा जाना चाहिए, लेकिन अशुद्ध लिखने में आ जाता है, शब्द कुछ का कुछ लिखने में आ जाता है, आप फ्लो में लिख रहे हो तो आप कई शब्द भूल जाते हैं, ये कनेक्टिंग वर्ड्स तो बच्चे कई बार भूल जाते हैं, का मे से ऐसे जो शब्द होते हैं ना, वाक्य लिखते लिखते बीच में से वो शब्द उड़ जाते हैं उनके, तो उनसे पूछो क्या लिखा, और कभी कभी ऐसा भी होता है लिखा होता है अशुद्ध और आप फ्लो में उसको शुद्ध पढ़ जाते हो, इसका मतलब लिखा हुआ भी नहीं पढ़ रहे हो आप। तो मैं पढ़ता हूं, मैं बोलता हूं, ठीक है, झूठ नहीं है, संबंध है व्यवहार से। पंक्तियां याद रखना, पंडित जी की पंक्तियां हैं, लिखनादिक वचनादिक क्रिया, क्या क्या हो गई, लिखनादिक वचनादिक क्रिया, वर्णादिक जो दिख रहे हैं दिखाई देने वाले, लिखनादिक वचनादिक क्रिया, वर्णादिक अरु इंद्रिय और इंद्रियां और हिया हृदय, ये सब है उद्गल को खेल, याते नाही हमारो मेल, ये सब उद्गल का खेल है, इसमें हमारा मेल नहीं है, हम कितना भी कहें मेरा वजन बढ़ रहा है तुम्हारा वजन नहीं बढ़ता, मेरा वजन कम हो गया मेरा वजन कम नहीं होता, ये जो मेरा वजन बढ़ गया ऐसा कहा जा रहा है, ये स्वद्रव्य परद्रव्य को मिला करके किया जाने वाला व्यवहार नय का कथन है। देखो निश्चय व्यवहार को समझने से रहस्य समझ में आएगा, मर्म समझ में आएगा, आप जनागम के मर्म को समझ पाएंगे, ये सब है पुद्गल को खेल, इसमें मेरी नहीं चलती है, और मेरी चलती है ये कहना व्यवहार है। बाल काले से सफेद हो गए, अपनी कितनी चल रही है, चलाओ चलाओ थोड़ी सी, इसमें कैसे चलेगी, पंडित जी ने एग्जाम्पल दिया दूसरे अध्याय में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, वहां ऐसा एग्जाम्पल दिया, एक गास भोजन का ये लेता यहां से, व्यवहार नए से मैंने भोजन किया ये बात ठीक है, भोजन ग्रहण किया लेकिन यहां से उतरने के बाद अब उसका क्या होगा, कौन कर रहा है उसको,
खुद कर रहा है वो, उसका जैसा परिणमन होना होगा। पुद्गल द्रव्य है, ये सब है पुद्गल को खेल। याते नाई हमारो मेल, व्यवहार ने संबंधी तीन महत्वपूर्ण बिंदु हुए यहाँ। व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को और कारण कार्यादिक को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, ये व्यवहार नहीं है। किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, दवाई से तबीयत ठीक होती है, भोजन से जीवन चलता है, तो व्यवहार नहीं के कथन है, सबको मिलाकर के कथन कर रहे हैं। कारण कार्य की चर्चा कर रहा हूँ, भोजन से जीवन चलता है मतलब जीवन का कारण भोजन हो गया, लेकिन सच्चाई नहीं है, फिर भरपेट मनुष्य क्यों मरता है? यदि भोजन से जीवन चलता है तो भरपेट मनुष्य क्यों मरता है? इसका मतलब जीवन मरण जो है वो तो कोई अलग काम है, लेकिन भोजन से चलता है ये व्यवहार है। निश्चय ने क्या काम करता है? उन्हीं का यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता। ये हो गए सब वाक्य। देखो 33 नंबर पेज पर देखो, क्यों आप टेंशन में क्यों आ गए क्या? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अभी आपकी टेंशन मिटाता हूँ। आपने मेरे ये 2-3 प्रवचन सुने, इसके पहले तो टेंशन नहीं थी ना? क्यों? इसके पहले तो कोई आपको टेंशन नहीं थी ना? तो उस समय भी 3 दिन से पहले भी काम तो अपनी योग्यता से हो रहा था और हम कथन इसी प्रकार के कर रहे थे, तो निश्चय व्यवहार तो पहले भी चल रहा था ना, हमारे ज्ञान में नहीं था। जब हमारे ज्ञान में आया तो हमें कोई टेंशन होने लगी, हमारे ज्ञान में नहीं था तो कोई टेंशन नहीं थी। इसका मतलब आप टेंशन समझ रहे हो, वस्तु स्थिति नहीं बदलनी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप दुकान जाना बंद कर दो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप घर गृहस्थी चलाना बंद कर दो। ये निश्चय व्यवहार सही स्वरूप समझने से घर गृहस्थी चौपट नहीं होती, व्यवस्थित होती। क्यों? क्योंकि फिर किसी व्यक्ति के माध्यम से सामने जवाब दे देने पर, बच्चों के द्वारा पलट के जवाब दे देने पर, यदि आपको निश्चय और व्यवहार ख्याल में आते हैं तो फिर तकलीफ नहीं होती, फिर आप जानते हैं वस्तु स्थिति क्या है। काजू की कतली का हलवा, हाँ कुछ कहने में अलग है बोली, हाँ समझ में आ रही है आपको बात, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ? ये आनंद के लिए है, ये पीड़ा के लिए नहीं है। व्यवहार से हो रहा है काम, क्या दिक्कत है? नहाते धोते हैं, खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, संबंध है, पारिवारिक संबंध है, ये सब मित्र है, शत्रु है, ये सब व्यवहार से ही तो कहे जाते हैं। निश्चय से तो कोई किसी का नहीं है भाई। देखिए 33 नंबर पेज अंतिम पैराग्राफ देखिए क्या कह रहे हैं, नहीं सेकेंड लास्ट पैराग्राफ देखना, मतलब इससे ऊपर घुमाना है टोडरमल जी की पंक्तियां, तीसरी लाइन। जिस द्रव्य की मिल गया, जिस द्रव्य की परिणति हो, माने जिस द्रव्य का काम हो जीव और पुद्गल का, नीचे से 7-8 लाइनें होगी शायद, नीचे से 7वीं 8वीं लाइन की बात कर रहे हैं हम 33 पर। रिपीट शायद पीछे है, अच्छा। जिस द्रव्य की परिणति हो, मिल गया, उसको उसी की कहने वाला निश्चय नहीं है। जो काम जिसका है उसको उसका कहे भाई, भोजन का काम भोजन का है, मेरा काम जानना है, और उसे ही अन्य द्रव्य की कहने वाला व्यवहार नहीं है। यह अतः यह श्रद्धान करना कि निश्चय नहीं का कथन सत्यार्थ है, व्यवहार नहीं का कथन उपचरित होने से असत्यार्थ है। आपने ऐसा क्यों कहा कि निश्चय का श्रद्धान करना व्यवहार का छोड़ना, ऐसा क्यों कहा आपने? कहा सुनो, व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, बिल्कुल लाइन ही ऐसी याद हो जाए लाइफ टाइम, क्योंकि ये पूरे हो जाने के बाद जब दूसरे ग्रंथ चलाएंगे ना तब भी बार बार में आएंगी कभी कभी ऐसी बातें। व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, वे कारण कार्यादिक को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है,
बतलाओ, स्वद्रव्य परद्रव्य को मिला के कथन करता है, कोई एकाध वाक्य तो बोलो ऐसा जिसमें स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाया गया हो, बोलो। अब ऐसा करूंगा मैं कि जो पढ़ाऊंगा वो किसी से भी पूछ लूंगा कि आप बताओ। पत्थर भगवान क्या? ये भगवान है, ये भगवान है। तो भगवान अलग है और प्रतिमा अलग है, और दो को मिला करके हमने कह दिया कि ये भगवान है। स्वद्रव्य परद्रव्य को, मैं मनुष्य हूं, मच्छर चार इंद्रिय है, ये चार इंद्रिय जीव है मच्छर, तो चार इंद्रिय जीव, तो इंद्रिय और जीव को मिला करके चार इंद्रिय जीव कह दिया। असमंजसी द्रव्य पर्याय, स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को मिला करके कथन करना, मतलब मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं, तो बोलना ये पुद्गल का काम, और मैं बोलता हूं जीव का काम। तो मैं जीव हूं और भाषा पुद्गल है, भावों को मिला करके देखो, इनकी इनकी आवाज बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा गाते हैं, तो आवाज वॉइस ये तो पुद्गल का गुण है, शब्द पुद्गल का गुण है, और मेरा गुण ज्ञान दर्शन आदि है, इनका गुण ज्ञान दर्शन आदि है, तो इनको और इनकी आवाज को हमने मिला दिया, पुद्गल को और इनको तो मिला करके कथन कर दिया, गुणों को मिला के कथन कर दिया। कारण कार्यादिक को, मैं बहुत अच्छा भोजन बनाता हूं, आपको पता है ये कॉफी बहुत अच्छी बनाते हैं, आपको पता है मैं ड्राइविंग बहुत अच्छी करता हूं, तो मैं करता हूं, ये जो कर्तापन जो कहा हमने व्यवहार है, ये बात बिल्कुल समझ लेना आप, जैन दर्शनानुसार एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भी है और अकर्ता भी है, निश्चय नए से अकर्ता है, व्यवहार नए से कर्ता है, ये तो अनेकांत है। सर्वथा अकर्ता निश्चय नए से, सर्वथा मत लगाओ, लेकिन निश्चय नए से अकर्ता है, व्यवहार नए से करता है। ये काम किसने किया, ये मैंने किया, ऐसा कहना व्यवहार है। और जब वचन ये निकलता है कि मैं क्या करूं, तो बोले अच्छा होने में भी ऐसा बोल कि मैं क्या करूं, ऐसा ही होना था। लेकिन जब काम अपनी इच्छा के विपरीत होता है तब तो ये कहता है मैं क्या करूं, और अच्छा होता है तो मैंने किया है। भोजन करते समय यदि कोई व्यक्ति सब्जी की तारीफ करे तो बनाने वाला तो मैंने बनाई, मेरे हाथ का बना, लड्डू कैसे लगे, क्या अच्छे नहीं लगे, तो फिर कोई कुछ नहीं कहेगा, और अच्छे बने तो मैंने बनाए, अच्छा हुआ, अच्छा किया, अच्छा काम हुआ तो मैंने किया, और बुरा सब हो गया, मैं क्या करूं, मेरे हाथ में नहीं है, दूसरे के ऊपर दोष डालता है। एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा मोक्षमय प्रकाशक में, ऐसा स्वयं तो महंत बने रहना चाहता है और अपना दोष दूसरे पर लगाता है, ऐसी अनीति जैन मत विषय, जिन मत विषय संभव नहीं, संभव नहीं, जैन दर्शन में ऐसी अनीति नहीं चलेगी। स्वयं तो बड़ा बने रहना चाहता है, महान बने रहना चाहता है, मैं तो बहुत महान, मैं तो स्वयं तो महंत बने रहना चाहता है, अपना दोष कर्मादिक पर लगाता है, तो ये अनीति संभव नहीं है। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, नहीं ये सच्ची भी है बात, लेकिन व्यवहार न ऐसे, जड़ कर्म मुझे घुमाता है ये बात व्यवहार नहीं की है। कर्म का उदय आएगा, अरे नरक नाम कर्म का उदय आएगा तो ये जीव यहां नहीं होगा, ये वहीं जाएगा। ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय होगा तो आप कितनी भी कोशिश करें आपकी स्मृति भंग हो जाएगी, याद किया हुआ भूल जाओगे आप। तो कर्म ने किया ना ऐसा, ये व्यवहार है ऐसा कहना कर्म के, और ऐसा मान लेवे तो मिथ्या भ्रांति है। ऐसा बोलते समय सच्चाई का भी भाव वासन होना चाहिए। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, पूजा की लाइन है क्या, बहुत प्राचीन पूजा है।
युगल किशोर जी युगल साहब की पूजा है, धूप का छंद है। देखो यहाँ स्वद्रव्य पर द्रव्य को उनके भावों को और कारण कार्यादि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। इस प्रकार के श्रद्धान से मिथ्यात्व होता है, ऐसा मान ले तो मिथ्यात्व है। ऐसी श्रद्धा करे कि मैंने ही किया है ऐसा कहे तो मिथ्यात्व नहीं है, ऐसा बोले तो मिथ्यात्व नहीं है, व्यवहार है। लेकिन ऐसा ही मान लेवे कि नहीं नहीं मैं ही करता हूं तो मिथ्यात्व है, ऐसे श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। अतः व्यवहार नए त्यागने योग्य है तथा निश्चय नए उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता, ऐसे श्रद्धान से सम्यक्त्व होता है, अतः उसका श्रद्धान करना। अब देखो बहुत मार्मिक बिंदु उठेगा यहाँ, क्या कहा, व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़ना और निश्चय नय का श्रद्धान करना। अब शिष्य प्रश्न कर रहा है गुमानी राम क्या कह रहे हैं, तो फिर जैन शास्त्रों में दोनों नयों को ग्रहण करना क्यों कहा है? हमारे शास्त्रों में ऐसी बातें भी मिलती हैं, निश्चय व्यवहार दो नए हैं सब और दोनों सच्चे हैं, ठीक है, दोनों को ग्रहण करने की बात है। तो कह रहे हैं भाई जहां निश्चय नय का कथन हो उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही है, ऐसा मानना। निश्चय नय के कथन में क्या मानना, सत्यार्थ ऐसे ही हैं, ऐसा मानना। और जहां व्यवहार नहीं की मुख्यता से कथन हो उसे ऐसा है नहीं, निमित्तादि की अपेक्षा उपचार से कथन किया है ऐसा मानना, ये दोनों नयों का ग्रहण है। निश्चय आचरण और व्यवहार कथन नहीं, ऐसा नहीं। निश्चय नय का जैसा कथन हो वैसा मान करके उसका श्रद्धान करना यही सच्चाई है, और व्यवहार नय का जो कथन हो उसके बारे में क्या समझना, ऐसा है नहीं, निमित्त से कथन किया है, संयोग से कथन किया है, ये दोनों नयों का ग्रहण है। यदि व्यवहार नय को हे कहोगे तो लोग व्रतशील संयम आदि को छोड़ देंगे। कितना सुंदर प्रश्न है कि साहब आप तो पुण्य को हे कहोगे तो लोग मंदिर आना बंद कर देंगे, आप यदि पुण्य को बंधन का कारण कहोगे तो लोग पढ़ने सुनने क्यों आएंगे, लोग प्रवचन सुनने क्यों आएंगे, लोग पहले ही मंदिर नहीं आते हैं, लोग पहले ही दर्शन नहीं करते हैं, और तुम व्यवहार को हे कहोगे तो कौन व्रत करेगा, कौन पूजा करेगा, कौन शील संयम आदि करेगा? तो व्यवहार नय को हे मत कहो, शिष्य की शंका है। गुमानी राम कितना जिज्ञासा भरी है, तो कितने सुंदर प्रश्न है, माने अनेक ग्रंथों का सार आ गया इन प्रश्नों में। यदि व्यवहार नय को हे कहोगे तो लोग व्रतशील संयम आदि को छोड़ देंगे, तो सुनो कुछ व्रतशील संयम आदि का नाम तो व्यवहार है नहीं, हमने व्यवहार छोड़ने की बात कही ना, तो व्रतशील संयम आदि का नाम व्यवहार नहीं है, कल भी कही थी मैंने, व्रतशील संयम आदि को व्यवहार नहीं कहते क्योंकि व्रतशील आदि तो क्रिया है, क्रिया में नए नहीं है, नए तो उसे कैसा देखा जा रहा है वो नए होगा। इनको मोक्ष मार्ग मानना वो व्यवहार है, क्या व्रतशील संयम आदि ये कोई व्यवहार नहीं है, उसे मोक्ष मार्ग मानना ये व्यवहार है, इनको सच्चा मोक्ष मार्ग मानना तो छोड़ना ही चाहिए भाई। व्यवहार छोड़ने का मतलब इनको मोक्ष मार्ग मानना छोड़ दो, सच्चा मोक्ष मार्ग मानना छोड़ दो। तथा यदि व्रतादि को छोड़ेंगे और छोड़ेंगे तो क्या हिंसादि रूप प्रवर्तोगे? तुम क्या सोच रहे हो, व्यवहार छोड़ दो तो व्रतादि छोड़ने की बात कह रहे हैं क्या हम? कोई समझ का फर्क है, तो कोई व्यक्ति यदि नहीं समझता है तो अर्थ का अनर्थ कर देता है। जब व्यवहार छोड़ने की बात कही तो व्रतादि छोड़ने की बात नहीं है, और तुम ही बताओ यदि तुम व्रतादि छोड़ोगे तो क्या हिंसादि में प्रवर्तोगे? तो फिर और भी बुरा होगा, यदि तूने व्रतादि छोड़ दिए और हिंसादि में प्रवर्तन किया तो और बुरा होगा। अतः व्रतादि को छोड़ना भी ठीक नहीं
और उन्हें सच्चा मोक्ष मार्ग मानना भी ठीक नहीं, ये बैलेंस। व्रत भी अंगीकार होंगे, व्रताधिक धारण भी किए जाएंगे, पालन भी किए जाएंगे, नियमों का पालन भी किया जाएगा, संयम अंगीकार किया जाएगा, रात्रि भोजन आदि का त्याग किया जाएगा, पानी छान करके पीने का उपदेश दिया जाएगा। ये सब यानी धर्मात्मा के जीवन में ये सारी बातें होती भी हैं, तो क्या करना है कि ये करके मोक्ष मार्ग मत मानना इसे, व्रतादि नहीं छोड़ना है, व्रतादि को मोक्ष मार्ग मानना छोड़ना है, इसे व्यवहार छोड़ना कहते हैं। प्रश्न किया फिर, यदि ऐसा है तो फिर जिनवाणी में व्यवहार का कथन ही क्यों किया? क्या सहचारी है ना, हिंसादी से बचने के लिए करते हैं। ज्ञानियों को भी व्रतादि करने का भाव आए बिना नहीं रहता, आता सहजी अशुभ से बचने के लिए तीव्र राग ज्वर विनोदार्थम क्वचित ज्ञानिनोपी, ऐसी भक्ति होती है नियमसार में कहा ऐसा, ज्ञानियों के भी कदाचित ऐसी भक्ति देखी जाती है। तो किस लिए करते हैं फिर ज्ञानी जी, भक्ति में क्यों तल्लीन होते हैं? विषय कषाय से उपयोग हटाने के लिए, पंचेंद्रिय भोगों की प्रवृत्ति को रोकने के लिए, बाहर में हिंसादि से बचें हम इसके लिए, करुणा दया व्रतशील संयम आदि का उपदेश भी दिया जाता है। मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार है और मान ले तो मिथ्यात्व है। प्रश्न बहुत अच्छा उठाया भाई, यदि ऐसा है तो फिर जिनवाणी में व्यवहार का कथन ही क्यों किया? बहुत उलझन है, क्योंकि थोड़ी सी असावधानी हो जाए, जो कहा है वैसा ही मान ले तो मिथ्यात्व हो जाएगा, ऐसा कथन ही क्यों किया जिनवाणी में? आप पूछते हैं ना कई बार ऐसा, तो फिर इनकी जरूरत क्या है? प्रथमानुयोग का कथन क्यों किया? चरणानुयोग की क्या जरूरत है इन सब बातों की? अकेले आत्मा में ही रहो बस, यही कथन करते। करणानुयोग के कथन की क्या जरूरत है? काहे को इतना विस्तार किया? घूमट सार कर्म कांड और कर्मों की चर्चाएं, और फिर जीव कांड की चर्चाएं, गुणस्थान मार्गना स्थान जीव समाज पर्याप्ति प्राण मालूम क्या क्या अनगिनती विषय है, काहे को चर्चा कर रहे हो यार जबरदस्ती? सीधी सरल सी बात है, आत्मा है और मैं आत्मा हूँ, बस काम खत्म, बस अपन अपने में लीन हो जाए। तो अभी इनकी क्या जरूरत है, ये जरूरत बता रहे हैं। व्यवहार नहीं की क्या उपयोगिता है? जिनवाणी में व्यवहार नहीं के कथन क्यों किए? व्यवहार नहीं के कथन नहीं होंगे तो क्या समस्या आएगी? बहुत सुंदर बिंदु है, देखो। जिस प्रकार म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता, कौन सी गाथा है बोलो भैया, समय सर कौन सी गाथा? आठवीं गाथा, समय सार की आठवीं गाथा है ना। जिस प्रकार म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता, अनार्य भाषा के बिना समझा सके ना अनार्य को, आठवीं गाथा का पद्यानुवाद है। अनार्य म्लेच्छ माने समझ लो आप, जो आपकी लैंग्वेज को नहीं समझता है, अनार्य भाषा के बिना समझा सके न अनार्य को, बस त्यों ही समझा सके ना व्यवहार बिन परमार्थ को। व्यवहार के बिना परमार्थ को समझा नहीं जा सकता, व्यवहार के बिना परमार्थ को समझाया नहीं जा सकता। ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया वहां आठवीं गाथा में, म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में नहीं समझाया जा सकता उसके बिना। इसके संदर्भ में एक मुनिराज के पास में कोई शिष्य आकर के बैठा और उसने हाथ जोड़े, शिष्य ने आकर के, तो उन्होंने ऐसा कहा स्वस्ति। अब वो भाषा ही नहीं समझता, वो संस्कृत ही नहीं समझता, वो हिंदी संस्कृत का जानकार नहीं है, है? वो कन्नड़ भाषा का जानकार है, ये क्या कह रहे हैं, बोलो कैसे समझाएं, कैसे समझाएं उसको, क्या कहा क्या कह रहे हैं? तो जो म्लेच्छ है, जो अनार्य है, उसको उसी की भाषा में समझाओ तो बात समझ में आएगी, दूसरी भाषा में समझ में नहीं आएगी। अगर मैं यदि फ्रेंच में बात करूं आपसे तो क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा। तमिल तेलुगु के अंदर कोई व्यक्ति बोले नहीं समझ में आता है कुछ भी। देखो
जिस प्रकार म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं दिया जा सकता है। अतः जनवाणी में व्यवहार का कथन आया है। जैसे म्लेच्छ को समझाने के लिए भले ही म्लेच्छ भाषा का आश्रय लेना पड़े, पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, पर म्लेच्छ को समझाने के लिए भले ही म्लेच्छ भाषा का प्रयोग करना पड़े, पर म्लेच्छ हो जाना ठीक नहीं है। उसी प्रकार परमार्थ का प्रतिपादन करने के लिए भले ही उसका कथन हो, पर उसका अनुसरण करने योग्य नहीं है। व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक कैसे? आप कह रहे हो व्यवहार के बिना निश्चय नहीं समझाया जा सकता, व्यवहार न निश्चय का प्रतिपादक कैसे है? व्यवहार ने निश्चय को कैसे समझाता है? जैसे हिमालय पर्वत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सैकड़ों मील लंबी गंगा की लंबाई को तो क्या चौड़ाई को भी आंख से नहीं देखा जा सकता है? नहीं देख सकते उसकी लंबाई चौड़ाई को आंख से? लंबाई तो दिखती ही नहीं है, लंबाई तो छोड़ो, चौड़ाई को भी नहीं देखा जा सकता है। अतः उसकी लंबाई और चौड़ाई और बहाव के मोड़ों को जानने के लिए हमें नक्शे का सहारा लेना पड़ता है। बोर्ड पर समझाते हैं, चार्ट दिखाते हैं, ये यहाँ से जा रही है, देखो फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ आई, फिर देखो ये यहाँ इलाहाबाद में यहाँ पहुँची, फिर देखो ऐसे ऐसे ये यहाँ से यहाँ पहुँच गई। ये दिखा रहे हैं ना, उसके मोड़ दिखा रहे हैं, उसका क्षेत्र दिखा रहे हैं, एरिया दिखा रहे हैं, और हम क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ यहाँ आ गई, देखो यहाँ बंगाल की खाड़ी में पहुँच गई। सच सच बतलाना, यहाँ बंगाल की खाड़ी है क्या? सच सच बतलाना, ये जो दिखा रहे हैं ये हिमालय है क्या? ये भाषा कोई व्यक्ति इसको हिमालय मान लेंगे तो कोई हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी की दूरी कितनी है? बच्चा सोचे यार वहां से वहां तक, बोले सर 2 फीट के आसपास होगी। 2 फीट की दूरी हिमालय से बंगाल की खाड़ी की दूरी 2 फीट की है। व्यवहार है समझाने के लिए, देखो अब इनको सबको समझाने के लिए नक्शे का सहारा लेना पड़ता है। पर जो गंगा नक्शे में है वह वास्तविक नहीं है, उससे तो मात्र गंगा को समझा जा रहा है, समझा जा सकता है, उससे कोई पथिक प्यास नहीं बुझा सकता है, उससे पानी नहीं मिलेगा आपको। प्यास बुझाने के लिए असली गंगा के किनारे ही जाना होगा। उसी प्रकार व्यवहार द्वारा कथित वचन नक्शे की गंगा के समान है। व्यवहार ने जितने भी कथन किए हैं वो सब नक्शे की गंगा के समान है। और सुनो, आत्मा को भेद प्रभेद करके जानना ये भी सब व्यवहार है, अलग अलग भेद प्रभेदों से जानना। वस्तु स्थिति कोई भेद नहीं है, वस्तु स्थिति में तो आत्मा अभेद अखंड है, अनंत गुणों का अखंड पिंड है। तो भेद करना समझने के लिए और अभेद निश्चय का कथन समा जाने के लिए, उसे समझा जा सकता है, उससे समझा जा सकता है, पर उनके आश्रय से आत्मानुभूति प्राप्त नहीं की जा सकती। व्यवहार नहीं के आश्रय से समझ तो सकते हैं, आत्मानुभूति नहीं होगी। आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए तो निश्चय नय के विषयभूत, जो निश्चय नय का विषय था, ऐसा वेद आत्मा, ऐसा अखंड आत्मा, ऐसा त्रिकाली ध्रुव परम्पारामिक भाव स्वरूप, ज्ञानादि गुणों का अखंड पिंड, शक्तियों का संग्रहालय, गुणों का गोडाउन, ऐसा जो अभेद अखंड आत्मा है, वो विषयभूत शुद्धात्मा का ही आश्रय लेना आवश्यक है। अतः इसलिए व्यवहार नए तो मात्र जानने के लिए प्रयोजनवान है। जिनवाणी ने स्थान क्यों दिया उस व्यवहार नए को? जानने के लिए। जानो मतलब ये पढ़ो, किताबें पढ़ने से ज्ञानी नहीं बनेगा, आंख बंद करके बैठ और निश्चय ज्ञान। असली ज्ञान तो आत्मज्ञान ही है, शास्त्र ज्ञान ज्ञान नहीं है। शास्त्र ज्ञान को ज्ञान कहना ये व्यवहार नए है, शास्त्र से ज्ञान होता है ये कहना व्यवहार नए है,
निश्चय नहीं से तो ज्ञान ज्ञान में से आता है, ये भी शास्त्र बताएगा, ये भी शास्त्र बतलाएगा क्या, इसलिए यहाँ से आना, इसलिए शास्त्र पढ़ना, इसलिए व्यवहार नहीं की उपयोगिता है। जिनागम में ऐसे व्यवहार नहीं के बहुत कथन मिलते हैं। शास्त्र से ज्ञानी बनना वैसे ही है जो लक्ष्य से पानी पीना। बिल्कुल, वो थी पढ़ पढ़ बावरा पंडित भया ने कोय, और ढाई आखर आत्म के बड़े सो ज्ञानी होए। केवल ज्ञानी अपने आत्मा को पढ़ करके लोकालोक दिखने लगते हैं, लोकालोक को देखने से लोकालोक नहीं दिखते हैं। खैर, इस तरह से निश्चय व्यवहार नियमों के संदर्भ में जो एक पाठमाला के लेवल पर जो चर्चा हो सकती थी, उतने अपेक्षित विस्तार से हमने यहाँ इन नियमों की चर्चा की है। कल नए पाठ के माध्यम से नई चर्चा हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। अभी की बात करें।